खासकर मेवात जिले का, उन्होंने घोषणा की है कि 22 जुलाई को पहले सोमवार को एक बार वो फिर ऐतिहासिक यात्रा होगी जो ब्रज मंडल के तहत निकाली जाती है। संत समाज ने अब की बार आह्वान किया है, आह्वान तो पोस्टर चल रहे हैं, मैं भी देख रहा था उनका, लेकिन साथ साथ ये आह्वान भी चल रहा है कि वहीं के लोकल लोग उसके अंदर शामिल हों। पहले तो आप ये बताएं मेरे को कि ये कहाँ बोल दिया कि वहीं के लोग आएंगे, ये किसने बोल दिया, कहाँ से जारी हुआ कि वहीं के लोग आएंगे? ये मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि संत समाज ने बोला कि वहीं के लोग। 22 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है। सावन का पहला सोमवार आज मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि 22 जुलाई को हरियाणा का नुहू और नुहू जिले का नलहड़ और नलहड़ का ऐतिहासिक शिव मंदिर, 31 जुलाई 2023 को यहाँ पर यात्रा निकली थी और उस यात्रा के बाद तनाव हो गया था जिसकी पूरे देश भर में, न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में भी चर्चा हुई थी। मामला क्या था उसकी तह में जाएंगे नहीं आज। अब 22 जुलाई है और 22 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है और 22 जुलाई को जो संत समाज है, साधु संत समाज है खासकर मेवात जिले का, उन्होंने घोषणा की है कि 22 जुलाई को पहले सोमवार को एक बार वो फिर ऐतिहासिक यात्रा होगी जो ब्रज मंडल के तहत निकाली जाती है और यात्रा के अंदर जो नल्हड़ का भगवान शिव का, महादेव का जो मंदिर है वहाँ पर श्रद्धालु जो हैं जलाभिषेक करेंगे, उसके बाद झीरी मंदिर आता है फिरोजपुर झिरका में, वहाँ जाएंगे और फिर यात्रा का समापन होगा नुहू जिले के ही सिंगार में जहाँ पर भगवान राधा कृष्ण का मंदिर है। हर साल ये यात्रा निकलती है और यात्रा बड़े सद्भाव से निकलती थी, लेकिन पिछले साल जाने क्या हुआ कि उस यात्रा की वजह से कुछ तनाव बना और इस बार भी इसलिए हम इस चर्चा में हैं। यात्रा को लेकर नुहू जिले के कीरा में कल एक पंचायत होनी है, जिस पंचायत के अंदर जो हिंदू समाज, सनातन समाज, संत समाज के लोग इकट्ठा होंगे और यात्रा की रूपरेखा तैयार की जाएगी। ये जानकारी मुझे कीरा की जो धर्मशाला गौशाला है उसके चेयरमैन हैं, संचालक हैं योगेश शर्मा, उन्होंने दी। संत समाज अब की बार ये आह्वान भी कर रहा है कि जो यात्रा में अन्य जिलों के लोग, जो हरियाणा प्रदेश के अन्य जिलों से लोग पिछली बार आए थे जिसकी वजह से विवाद बन गया था, क्योंकि यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना है, यात्रा को लेकर सरकार का गुप्तचर विभाग चौकन्ना है, यात्रा को लेकर संत समाज भी चौकन्ना है कि कोई भी इस प्रकार की घटना ना घट जाए। दूसरी तरफ जहाँ मेवात के जो समाज के लोग हैं, वहाँ के विधायक हैं नुहू के आफ्ताब अहमद, उनका भी एक बयान चल रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि उन यात्रा से कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन जो पिछली बार घटना घटी वो वाकई एक अच्छी घटना नहीं कही जा सकती और हरियाणा प्रदेश के जो व्यवस्था है, शांति व्यवस्था, उस पर भी उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान लग गया था। खैर, यात्रा की तैयारियां मैंने आपको बताई और यात्रा का महत्व आपको मैंने बताया, यात्रा निकलेगी जो चलेगी वो मैंने आपको बताई। उस पिछली बार की यात्रा के अंदर एक प्रमुख नाम था और जिसमें कहा गया कि उनकी वजह से तनाव हुआ, हालांकि पिछली बार की बात पे हम नहीं जाएंगे, वो नाम था बिट्टू बजरंगी का और बिट्टू बजरंगी आज भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नमस्कार जी। गोरक्षा बजरंग फोर्स के वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके, जो गोरक्षा के क्षेत्र में काम करती है, बिट्टू बजरंगी जी एक बार फिर वो यात्रा निकल रही है और ऐतिहासिक यात्रा है हिंदू समाज के लिए, सनातन समाज के लिए, और उस यात्रा में संत समाज ने अब की बार आह्वान किया है, आह्वान तो पोस्टर चल रहे हैं, मैं भी देख रहा था उनका, लेकिन साथ साथ ये आह्वान भी चल रहा है कि वहीं के लोकल लोग उसके अंदर शामिल हों, सद्भाव से यात्रा निकले और किसी प्रकार का कोई वैमनस्य ना हो। आपका नाम बड़ा चर्चा में रहा था पिछली बार। अच्छा जी, पहले तो आप ये बताएं मेरे को कि ये कहाँ बोल दिया कि वहीं के लोग आएंगे, ये किसने बोल दिया, कहाँ से जारी हुआ कि वहीं के लोग आएंगे, ये
मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि संत समाज ने बोला वहीं के लोग बोलने में और दर्शाने में करने में कथने में बहुत फर्क है। लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ जारी नहीं है कि वहीं के लोग आएंगे नहीं, मुझे दिखा दें। ये सारी चीज़ें मनगढ़ंत अपनी अपनी उपज सोच की उपज, तो ये सारी चीज़ें वैसे दिखा दें, इसमें लिखा हुआ है साहब, मैंने भी शेयर किया फेसबुक पे कि सभी उसमें सनातनी शामिल हों, तो मैं भी तो सनातनी हूँ, मैं कोई पाकिस्तान से तो नहीं आया हूँ। जो पिछले साल यात्रा थी 31 जुलाई को पहला सोमवार था, अब की बार वो 22 जुलाई को पहला सोमवार है। 31 जुलाई को वहाँ तनाव हो गया था और 6 लोगों की जान चली गई थी उसमें। उस घटना के पीछे बिल्कुल नहीं जाएंगे। उसके बाद में वो यात्रा जो निकलती थी हर साल, वो सावन के अंतिम सोमवार को फिर हुई थी। पुलिस प्रशासन का बड़ा महत्वपूर्ण रोल था उसके अंदर। वो यात्रा जो पहली में तनाव बना, उसके बाद जो लास्ट अंतिम सोमवार को यात्रा हुई वो शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। तो संत समाज की ये भी तो हो सकता है कि यात्रा शांतिपूर्वक रहे, किसी प्रकार का विवाद तनाव ना हो, इसलिए शायद ये बात चल रही हो जिसके लिए आप कह रहे हैं। फिर मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ, चल रही है कहाँ चल रही है मुझे तो बताए, किसने कह दिया चल रही है, कहाँ चल रही है, सड़क पर चल रही है, मीडिया में चल रही है, जारी करें कोई फिर के स्पेशल वहीं के लोग होंगे बाहर के ना आए, जहाँ जारी करें कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसा संत समाज का और समाज का होगा वो तो निर्णय सर्वोपरि होता है, सर्वमत्य होता है, लेकिन जारी तो करें कि भाई वैष्णो मंदिर है वहाँ पर कठुआ और जम्मू कश्मीर के लोग आएंगे, जो कटरा का वैष्णो देवी मंदिर आप कह रहे हो, हाँ वो आसपास क्षेत्र के लोग आएंगे, बाकी अन्य देश अन्य राज्यों से लोग नहीं आएंगे। ऐसे यहाँ भी जारी करें कि भाई हम तो वहीं के लोग करेंगे जो कुछ करेंगे पूजा, बाकी बाहर के लोग हमारे मंदिर में आके पूजा ना करें, वो जारी करें कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं जाएंगे। नहीं, जो तनाव बना तो उसकी वजह से हो सकता है ना कि आगे ऐसा बात ना हो। तो किसने बोला है मुझे बताएं आप, मतलब कौन बोल रहा है, चल रही है कहाँ चल रही है, कोई जारी करे तो हम माने ना। लिखतम और वक्तम फर्क है, कोई कह दे कि इसके पास ये चीज है, इसने ये उठाया है, ये करा है, लेकिन कोई सबूत तो हो ना, बगैर प्रमाण के ये सारी बातें मनगढ़ंत है। मैं नहीं मानता, कुछ जारी होगा तो उसका सम्मान होगा, कुछ जारी भी होगा तो उसका सम्मान होगा उस चीज का। समाज से तो मैं भी ऊपर नहीं हूँ, मैं भी समाज का घटक हूँ, लेकिन ये सारी चीजें हमें संज्ञान में तो आनी चाहिए कि वहाँ के लोग जाएंगे उस मंदिर में और वहाँ के नहीं जाएंगे, वो प्रतिबंधित है। तो ये हमें पता लगेगा कि हम पे इस तरह की रोक लगाई जाए तो हमें लगेगा हमें इस तरह। मैं आपको बता दूँ कि जो नल्हड़ की ऐतिहासिक जो यात्रा चलती है, जो नल्हड़ के शिव मंदिर में जलाभिषेक करने से शुरू होती है, वहाँ पर एक बड़ा भंडारा होता है, उसके बाद में वो यात्रा वहाँ से फिरोजपुर झिरका के झीरी वाला एक शिव मंदिर है वहाँ पहुँचती है, वहाँ भी भगवान महादेव का जलाभिषेक होता है, और उसके बाद में वो यात्रा पहुँचती है सिंगार में। सिंगार आता है पुन्हाना के अंदर, यानी कि नुहू जिले आमेवाद जिले के जो तीनों महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, नुहू, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना, जो तीनों विधानसभा क्षेत्र भी हैं, तीनों में वो यात्रा पहुंचती है। लगभग 50 से 55 किलोमीटर का जो एरिया होगा जिसको वो कवर करती है। इस यात्रा का जो संयोजन संचालन हुआ करता था उसको विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल जो इकाई या ब्रज मंडल का जो उनका समूह बना हुआ है वो उसको संयोजित करता था। पिछली बार जब तनाव हुआ तो उसके बाद में वो यात्रा स्थगित हो गई, क्योंकि वो जलाभिषेक का कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाया था। नल्हड़ में तो जलाभिषेक हुआ लेकिन उसके बाद वो यात्रा स्थगित हो गई। सावन के अंतिम सोमवार को जो 2023 में वो फिर दोबारा यात्रा चली, जिसके अंदर तमाम संत समाज, चाहे वो स्वामी धर्मदेव महाराज पटौदी वाले थे, तमाम संत समाज के लोग भी और तमाम हिंदू समाज के अंदर सनातन संस्कृति में आस्था रखने वाले लोग वहाँ गए, और जो वो यात्रा चली उसके लिए कई पंचायत भी हुई और उसका संयोजन मेवात के स्थानीय लोगों और संत समाज ने किया। अब संत समाज की और उन लोगों की एक बैठक भी होनी है, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि कल यानी कि बृहस्पतिवार को कीरा की गौशाला में, हालांकि वहाँ के प्रबुद्ध लोगों की वो कोई बड़ी पंचायत नहीं है, केवल यात्रा का प्रारूप, यात्रा का रूट और वो शांतिपुर यात्रा कैसे हो। और इसी बात पर जब मैं बात कर रहा था बिट्टू बजरंगी से, तो वो कह रहे हैं कि किसने रोका है जाने से, मुझे बताए, मुझे फ़ोन करें जी कि बजरंगी जी तेरे को नहीं आना, और फिर मैं उनसे ये पूछूंगा कि तुमको किसने अधिकार दिया रोकने का मुझे। कोई आदमी कहीं जाए,
कोई आदमी कहीं जाए कानून से बड़ा तो मैं भी नहीं हूँ और वो भी नहीं है जो मुझे रोकने की कोशिश करे। कानून की बात कर रहे हैं तो क्या आपको राइट है अब की बार जाने का? मैं जाऊँगा, जरूर जाऊँगा। नहीं, आपको तो जो पिछले वाले केस में आप जमानत पर हैं जी, और उसके अंदर आपको हिदायत है कि आप बिना परमिशन नहीं जाएंगे? जी बिल्कुल जी, जाऊँगा, जरूर जाऊँगा। और मैं प्रशासन से भी अपील करता हूँ और सरकार से भी कि इस चीज़ पे थोड़ा किसी की आस्था पे रोकने के लिए लगाम ना लगाए, कोई भी धर्म हो, कोई भी वर्ग हो। मेरी इच्छा है वहाँ जाने की, मंदिर कहीं का भी हो, लेकिन मैं कोई पहली बार या दूसरी बार नहीं गया, पहले भी वहाँ पर नल्लन मंदिर में पहले भी मैं यात्राओं में शामिल रहा हूँ। कोई स्पेशल पिछली नहीं, उससे भी पहले की दो यात्राओं में भी शामिल हुआ हूँ, 5 यात्रा निकली हैं, मुझे इतना संज्ञान में है। अच्छा, मुझे यह है कि उस जिस आप जमानत की बात कर रहे हो, उस जमानत में कुछ ऐसा है, कुछ शर्तें हैं कि आप जब भी कभी आओगे मेवात या नूह तो एक बार वहाँ के प्रशासन से अनुमति लेके आओ, यानी कि नूह के प्रशासन से अनुमति लेके आऊँगा। तो उसके लिए मैं 2-3 दिन से अपने कोर्ट के माध्यम से मैं भागदौड़ी करके मैंने अपना पूरा चीज बना ली है और मैं कानून को और संविधान को ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रक्रिया से मैं इजाजत लूंगा। अगर मुझे वो जाने देंगे तो जाऊंगा, अगर कानून मुझे रोकेगा और मैं कानून से पूछूंगा अभी के किस वजह से मुझे रोका जा रहा है पूजा करने के लिए, तो कानून अगर मुझे इजाजत देगा, कोर्ट मुझे मान्य, न्यायालय मुझे इजाजत देगा तो मैं जरूर जाऊंगा। पर अगर अदालत ने इजाजत नहीं दी तो कानून तो सबसे बड़ा है जी। जी, कानून के ही हम मानने वाले हैं और संविधान से बड़ा कोई नहीं, उसको हम मंदिर समझते हैं संविधान को जी, तो उसकी तो हम उसके ऊपर तो कोई नहीं है जी जी, उसका तो हम सम्मान करते हैं जी जी। बिट्टू जी, एक सवाल है मेरा जी, ये जो यात्राएं हैं धार्मिक यात्राएं, क्या ये बिल्कुल शांतिपूर्वक निकलनी चाहिए ना? इनमें के पीछे विवाद क्यों होना चाहिए? हम कांवड़ लेने जाते हैं, क्या उसमें डीजे नहीं बजता? योगी जी ने क्या बोला था? अखिलेश की सरकार ने बोल दिया था उसमें डीजे नहीं बजेंगे, तो योगी जी ने क्या बोला? और क्या मातम में डीजे बजेंगे? तो गाने बजाने के साथ जाता है, उसको अगर कोई गलत उससे ले दे कि भाई इसने ये गाना चला दिया, वो गाना चला दिया, क्या अन्य जो नेता हैं पूरे देश में वो उल्टा सीधा बोलते हैं? उन पर तो कुछ नहीं। एक मैं इस तरह से अगर गलती से किसी ने मेरे पीछे खड़े होकर किसी ने बोल भी दिया तो उस पर इतनी चीज़ें, सारी चीज़ें जो खुलेआम भारत माता को डायन कहते हैं और जिन पर सैकड़ों हजारों केस हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं है। जिन्होंने पत्थरबाजी करी, आगजनी करी, उनको 100-100 गज के प्लॉट दिए गए हैं 3 महीने बाद नूके दंगे के बाद। तो ये सारी चीज़ों को मैं नहीं जाता, मैं तो ये कहूँगा प्रशासन जैसे मुझे इजाज़त देगा, माननीय न्यायालय इजाज़त देगा तो मैं जाऊँगा, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा, कानून से मैं बड़ा नहीं। चलिए, इसमें तो हम भी सहमत हैं और बिट्टू बजरंगी भी कह रहे हैं कि वाकई शांति व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है, वो होनी चाहिए, चाहे वो सीधे कहें या वो घुमा के कह रहे हैं। और सीधा कहा है कि अगर अदालत इजाज़त देगी, अगर प्रशासन इजाज़त देगा तो जाएंगे, और नहीं तो सैनिक कॉलोनी का भी बड़ा कहीं भी हो, कहीं भी हो पूजा, तो कहीं भी हो पूजा, कहीं भी हो सकती है। लेकिन बात वही आती है फिर हम वैष्णो देवी क्यों जाते हैं जी? इच्छा तो होती है, ये ऐतराज़ तो है इनका, ये ऐतराज तो है कि यात्राओं पर बंदिश इस प्रकार की रोक है, नहीं किसी पर नहीं आस्था पे नहीं लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, चाहे कोई धर्म का हो। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सरकार, प्रशासन, कानून और संविधान, वो सबसे बड़ा है, न्याय व्यवस्था के अंदर संविधान और अदालत सबसे बड़ी है, उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। और बिट्टू कह भी रहे हैं कि वो आपके पास कागज, अदालत का ऑर्डर तो आपके पास? हाँ जी है, मेरे फोन अवेलेबल है, है। हाँ है, मैं आपको दे दूंगा। चलिए, है मेरे पास सब चीज, मैं बगैर लिखतम के बात नहीं करूंगा। जी जी, हाँ। जी, तो कानून के तो आप भी, कानून के बिल्कुल बिल्कुल कानून के तो आप भी पक्के हैं, मुझे पता, मैं लिखतम में बात करूंगा जी। तो अगर इजाजत होगी तो खैर, यात्रा जो धार्मिक यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है, चाहे वो किसी धर्म, समाज, संप्रदाय, समुदाय, किसी की भी हो, जाति, वर्ग विशेष किसी की भी हो, अगर आप देखें तो तमाम, चाहे वो महाराणा प्रताप की जयंती हो, चाहे भगवान वाल्मीकि की जयंती हो, चाहे उसके बाद में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती हो, और चाहे फिर वो ताजिया निकलते हो, तमाम प्रकार के यात्राएं ये चलती हैं। और होना ये चाहिए कि सभी को अपना नैतिक दायित्व ये समझना चाहिए कि वो सब कुछ
सौहार्द और शांति के साथ संपन्न हो। इस बात से तो हम भी सहमत हैं कि किसी को किसी स्थान पर जाने की रोक तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो संविधान में भी नहीं है। तो नल्हड़ की जो ऐतिहासिक यात्रा है, मैं आपको कल भी जुड़वाऊंगा, जरूर कोशिश करूंगा कि जो यात्रा का प्रारूप, रूट वगैरह सब कुछ तय होगा, आपको वो भी बताएं। लेकिन ये ज़रूर है कि चाहे वो पुलिस प्रशासन है, चाहे वो स्थानीय लोग हैं, चाहे वो मेवात के लोग हैं, चाहे वो कहीं के लोग भी हैं, सबकी प्राथमिकता तो यही है कि यात्रा निकले और शांति और सद्भाव के साथ निकले। इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार के आगे लाइव वीडियोस में आपके साथ जुड़ेंगे और लोगों से बात कराया करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। जय श्री राम। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।